Hello everyone, welcome to our YouTube channel Aero Short Blast. Today we will talk about portable sandblasting model P7-150. इस टैंक में हमें एक इनर और एक आउटर हॉपर प्रोवाइड किया गया है। ये हॉपर 6 mm की शीट से बनाए जाते हैं। इनर हॉपर के इंटीरियर में स्टील और रिंग वेल्ड की जाती है और आउटर हॉपर में 2 इंच का सॉकेट लगता है। इसे कंप्लीटली वेल्ड करके यहाँ पर एक सॉकेट लगाया जाता है और इस साइड में एक मेंटेनेंस होल होता है जिसमें कि स्टील और रिंग वेल्ड की जाती है। वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसमें व्हील्स लगाए जाते हैं जिससे मशीन को इजीली मूव कर सकते हैं। दिस प्रोसीजर इसमें हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। ये हाइड्रोलिक टेस्ट 20 kg/cm² पर किया जाता है। आफ्टर दिस हाइड्रोलिक टेस्ट मशीन के पार्ट्स की फिटिंग और पेंट किया जाता है। इस हॉपर में 0.75 इंच का सॉकेट फिट किया जाता है। इसके बाद कनेक्टर टी एल्बो के थ्रू NRV एयर फिल्टर और बॉल वाल लगाकर अपर फिटिंग को कंप्लीट किया जाता है। यहां कनेक्टर बॉल वाल और एयर होज लगाकर स्टील क्रॉस के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहां प्रेशर गॉज लगा हुआ है जो हॉपर में एयर प्रेशर को शो करता है और अपर साइड में सैंड ब्लास्टिंग हेलमेट के लिए एयर कनेक्शन दिया गया है। यहां प्रेशर रिलीज करने के लिए बॉल वॉल दिया गया है जो मशीन को ऑफ करते टाइम यूज किया जाता है। यह है स्टील क्रॉस जो कि एयर होज, ब्लास्टिंग होज और हॉपर से कनेक्टेड है जो मीडिया को मिक्स करने का काम करता है। यह ब्लास्टिंग होज है जो इस यूनियन के थ्रू स्टील क्रॉस से कनेक्टेड है। ब्लास्टिंग होज के फ्रंट हेड पर नोजल होल्डर लगाकर पीसी नोजल लगा दिया जाता है। एयर इनलेट है जहां पर एयर कनेक्शन दिया जाता है। मशीन स्टार्ट करने के लिए एयर इनलेट में एयर कनेक्शन दिया जाता है जो फिल्टर रेगुलेटर और NRV के थ्रू एयर हॉपर में जाता है। एयर के हॉपर में आने के बाद इंटीरियर में प्रेशर क्रिएट होता है जिससे मशरूम वाल ऊपर आ जाता है। यहां लगे बॉल वॉल को हाफ ओपन किया जाता है जो प्रेशर और मीडिया दोनों को मिक्स करके ब्लास्टिंग होज के थ्रू ऑब्जेक्ट पर प्रेशराइज करता है।